व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अंशुल दाबोलकर एंड आपको वीडियो टाइटल से पहले ही बताया कि वीडियो किसके बारे में है, बट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड रेसिपी। सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इज द मैक्रोज एंड टेस्ट। अगर सिर्फ मैक्रोज अच्छे हैं, टेस्ट खराब है, यू वॉन्ट ईट इट फॉर लॉन्गर। एंड सिर्फ टेस्ट अच्छा है, मैक्रोज खराब है, तो फिर इट इजंट रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर हेल्थ। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है। अगर आप एक ऑफिस गोअर हो या फिर आप स्टूडेंट हो जो कि यू आर लाइक ऑलवेज ऑन द गो, एंड इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट कि आपको रात को कुछ भिगोना पड़ रहा है, आपको एक चटनी बनानी पड़ रही है, आपको ये बनाना पड़ रहा है, देन आपको सुबह उठ के वो बनाना भी है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर लाइक कम्प्लीटली अननेसेसरी एंड टू बी ऑनेस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम दैट कैन बी ईजिली मिनिमाइज। सो द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड रेसिपी इज दैट क्या आप इसे कैरी कर सकते हो, क्या आप इसे ट्रैवलिंग के टाइम पे खा सकते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस के टाइम पे या फिर कॉलेज के टाइम पे, स्पेशली एग्जाम्स के टाइम पे, आपको जल्दी से भाग दौड़ में निकलना पड़ता है एंड यू डोंट हैव टाइम टू ईट। सो ये रेसिपी काफ़ी सिंपल है। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज 70 ग्राम्स ऑफ ओट्स। उसके बाद यू नीड टू टेक 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। यहाँ पे आई हैव मसल बेस का फ्यूल 1। यू कैन यूज़ माई कोड अंशुल MB फॉर एडिशनल डिस्काउंट्स। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज 2 अंडे। उसके बाद यू ऐड एन सिनेमन एंड वेनिला एसेंस। दीज टू आर ऑप्शनल, इफ़ यू लाइक द टेस्ट यू कैन ऐड दम, इफ़ यू डोंट जस्ट डोंट। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज थोड़ा सा मिल्क। ओ बाय द वे आई फॉरगॉट, और एक इंग्रेडिएंट है, यू नीड टू ऐड इन बनानास एंड प्रेफरेबली ट्राई टू ऐड इन जितने भी बनानास आपके राइप होंगे उतना ही ज़्यादा स्वीट टेस्ट आएगा। सो ट्राई टू ऐड इन राइप बनानास। एक तवा ले लो, उसके ऊपर एकदम ना के बराबर घी डालना। डोंट ऐड टू मच ऑफ घी एंड घी इज़ बाय द वे वेरी वेरी एसेंशियल। डोंट ऐड बटर, बटर इज़ जस्ट शिट। यूज़ घी, घी आपके जॉइंट्स को भी काफ़ी हेल्दी रखेगा। And then just pour the pancake batter on the tawa and keep it on there for around like 2 to 3 minutes each side. यानी कि आपका total cooking time would be less than 5 to 6 minutes. And जितने quantity के मैंने oats, whey protein and eggs लिए थे उससे you get about 5 to 6 pancakes. So, हमारे पैनकेक्स आर रेडी एंड बिलीव मी इट टुक मी लेस देन 10 मिनट्स टू मेक दीज। वेरी वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि इफ़ यू आर इन अ रश तो फिर आप इसे इजीली एक टिफिन में पैक करके आप ऑफिस पे जाके हीट करके खा सकते हो। बाय द वे इसके अंदर क्योंकि ओट्स है, वे प्रोटीन है, 2 अंडे है, तो फिर काफ़ी डेंस है एंड इट विल ईजिली कीप यू फुल फॉर एटलीस्ट लाइक 4 to 5 आवर्स। एंड अगर आपके कैलरीज अलाउ करते हैं तो फिर इसके ऊपर यू कैन पोर इन हर्शीज का सिरप या फिर हनी, इवन दैट टेस्ट गुड। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फिर डू सब्सक्राइब एंड एक किसी फ्रेंड के साथ ये रेसिपी शेयर कर दो एंड गाइड नेक्स्ट।